नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मित्रों, समास को लेकर के हम बढ़ेंगे आगे। आइए मित्रों, समास में हम देखेंगे समास का जो है, षष्ठी का देख चुके थे, सप्तमी में देखेंगे। सप्तमी तत्पुरुष समास, उदाहरण देखेंगे सबसे पहले इसके। उदाहरण नंबर एक उदाहरण लेके चले तो समास का सबसे पहले उदाहरण शुरू करने से पहले हमें यहाँ समास पदगय होगा, समास विग्रह, ये दो चीजें देख के करनी है यहाँ पर। नंबर एक पहला है अक्ष सोंड, अक्ष कितव, अक्ष धूर्त, क्रीड़ा धूर्त, कुसुम संवित, सभा पंडित, और वाक पटु, समास पद। ये समास पद है हमारे पास। अब हम समास विग्रह करके चलेंगे इनका, तो कैसे करके चलेंगे? षष्ठी विभक्ति होगी या सप्तमी। सप्तमी तत्पुरुष समास है, अक्षेषु सोंड, पांचों में चतुर, अक्षेषु कितव, पांचों में धोखेबाज, अक्षेषु धूर्त, पांचों में धूर्त, पांचा जो खेला जाता है उसमें धूर्त, क्रीड़ायाम धूर्त, क्रीड़ा में धूर्त, कुसुमे संवित, सभायाम पंडित, सभा में पंडित, और वाक्पटु वाची पटु। हमारे पास ये उदाहरण है विशेष रूप से। अब हम उदाहरणों को और आगे लेके चले तो उदाहरणों में आगे आता है हमारे पास में इसी से रिलेटेड, सभा पंडित हो गया, रस सिद्ध, जलमग्न, वनवास, इन सभी शब्दों में क्या हो रहा है? सप्तमी तत्पुरुष समास हो रहा है यहां पर। रसे सिद्धा, जले मग्न, वने वासः, वने वास, इसी तरह है वनवास, जल मग्न, जल रत, धर्म रत, धर्म रत,
धर्म में रत। धर्म रत। तो ये सारे सारे उदाहरण किसके हैं? सप्तमी तत्पुरुष समास के हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा, यदि परीक्षक ये पूछता है तो हमें आंसर देना होगा कि विशेष रूप से जहां हम यहां कहते हैं विशेष क्या है इनमें, तो यहां ध्यान रखिएगा सौंड शब्द, या दूसरा है कितवे शब्द, धूत शब्द, संवित शब्द, पंडित शब्द, पटु, सिद्ध, मग्न, वास आदि शब्द उत्तर पद में हो। तो सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष समास यहां होगा। इसके बाद में हमारे पास में उदाहरणों का विशेष में आता है समानाधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को लेके चलेंगे हम, तो हमारे पास में आता है एक कर्मधारय। कर्मधारय समास वह समास जिसमें विशेषण विशेष उपमान उपमेय की प्रधानता हो, वह समास कर्मधारय समास कहलाएगा। अब उदाहरणों पे चलते हैं। पहला ही उदाहरण है नील घटा। नीलांबर, पीतांबरम, कृष्ण सर्प, रक्त पट्टी, तो यहां पर हम सबसे पहले समास जो करना शुरू करें तो उस पर देखेंगे हम कि कहां क्या हो रहा है। तो यहां कहा नीलम, अच्छा घड़ा है, नीलह घटा, नीला घड़ा, या तो समास विग्रह ये होगा या फिर समास विग्रह हम इस तरह से भी कर सकते हैं, असौ घटा घटा। फिर हमारे पास है नीलम अंबरम और दूसरा बना सकते हैं नीलम चय तत् अंबरम। एक बनाया आपने नील घटा, नीला घड़ा, नीला घड़े की विशेषता है तो नील घटा, और दूसरा आपने रखा नील चय असौ घटा है, नीला यह घड़ा, तो ऐसी स्थिति में रखा वह घड़ा,
नीलम अंबरम, नीला आकाश तो नीलम च तत अंबरम, दोनों ही समास विग्रह होंगे इसके। इसी प्रकार है पीतम अंबरम और पीतम च तत अंबरम, पीतम च तत अंबरम पीला, कृष्ण सर्पः काला सांप, या फिर कृष्ण च असौ सर्प, रक्तापट्टी, या फिर रक्ता चे सा पट्टी, पट्टी। इस तरह से मित्रों हमारे पास ये जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है। फिर कुछ और लेके चलते हैं, तो यहां पर जो उदाहरण दिए हैं यहां पर विशेषण पहले आया है, तो हम ये कह सकते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। यहाँ पर कौन सा है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। अब इसी को लेकर के हम जब आगे की ओर बढ़े और उदाहरणों को रखें, तो हमारे पास है एक घनश्याम, चंद्रमुखम, जीर्णो धानम, सैलोन्नत, कुसुम कोमलम, वज्र कठोरम, कर्पूर घोरम, इन शब्द में भी कर्मधारय समास है। कैसे है कि घन एव श्याम, चंद्र एव मुखम, जीर्ण जीर्णम च तत उद्यानम, जीर्णम तत उद्यानम, शैल एव उन्नत, कुसुमम एव कोमलम, वज्रम एव कठोरम, कर्पूर एव गोरा। यहां पर उपमा पूर्व पद कर्मधारय है। यहां भी यहां भी यहां क्या है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। फिर यहां आगे के जो है उसमें उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। इन सभी में जो हमने यहां देखा है
उन सभी में कौन सा है यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम यहां देखते हैं तो आपके पास में कर्मधारय के कुछ उदाहरण और आगे हैं। फिर हम बात करते हैं अगला जो उदाहरण है वो लेते हैं पुरुष सिंह राज सिंह पुरुष व्याघ्र पुरुष मूषक पुरुष मार्जार इन उदाहरणों पर जब हम बात करने जा रहे हैं तो यहां पर क्या क्या बनता है। एक और भी है पुरुष ऋषभ ये लीजिएगा यहां लेके चलते हैं पुरुष सिंह एव राजा सिंह एव पुरुष व्याघ्र एव पुरुष मूषक एव पुरुष मार्जार एव और यहां पुरुष ऋषभ एव। इन सभी उदाहरणों में कर्मधारय समास तो है लेकिन यहां ध्यान रखना होगा उपमान उत्तर पद कर्मधारय सभी में उपमान उत्तर पद कर्मधारय है पुरुष सिंह राज सिंह पुरुष व्याघ्र है पुरुष मूषक है पुरुष मार्जार है पुरुष ऋषभ है। ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो किसके हैं वो सारे के सारे कर्मधारय के ही हैं। थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना होगा और इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लेके चलेंगे उदाहरण विशेष में ही द्विगु में द्विगु समास। इस द्विगु समास से भी पहले मैं उदाहरण है कुछ और कर्मधारय समास के उन्हें भी लेके चलते हैं तो कि हमें और ध्यान रहे। जैसे सज्जन है सतपुरुष है महात्मा है महाकवि है और महादेव शब्द है परमात्मा है परमपिता उत्कृष्ट नर उत्तम पुरुष ये सारे के सारे जो हैं वो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब हमें यहां ध्यान रखना होगा कि क्या समास विग्रह होगा इनका सन च असौ जने सन च असौ पुरुष है महान च असौ आत्मा महान च असौ कवि महान च असौ
देवा परमः च असौ आत्मा परमः च असौ पिता उत्कृष्ट च असौ नरः उत्तम च असौ पुरुषः। इन सभी में भी कौन समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है। यहां पर ये ध्यान रखना होगा सत शब्द, फिर है महत शब्द, परम, उत्तम, उत्कृष्ट शब्द पूजनीय अर्थ में, अर्थ में हो तो कर्मधारय समास होगा। समास होगा यहां पर आपको ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि यदि ये शब्द कह सब ऐसी स्थिति में यदि यहां दिया हुआ है महायशस्क, अब रखा ना यहां तो महायशस्क है, तो यहां पर कर्मधारय समास नहीं होगा, यहां तो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा, ध्यान तो रखना होगा क्योंकि प्रश्न पूछा ही है। महादुष्ट, महादुष्ट शब्द आ गया तो यहां पर तत्पुरुष समास होगा, लेकिन यदि पूजनीय अर्थ में आ रहा है महाशब्द तो फिर वो किस अर्थ में रहेगा? कर्मधारय समास में ही जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है मित्रों, आगे की ओर हम बढ़ें और देखें तो हमारा द्विगु समास की ओर चलते हैं। द्विगु समास की बात जहां शुरू होती है वहीं क्या कहा जाता है, एक सूत्र विशेष है। सूत्र में कहा संख्या पूर्वो द्विगु, समास कहता है जिस समास में पूर्व पद संख्या तथा उत्तर पद में संज्ञावाचक शब्द हो वहां द्विगु समास होगा। किंतु तीसरा अर्थ नहीं हो, किंतु तीसरा अर्थ नहीं होने पर यदि तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है तो ही द्विगु समास होगा। तो कहा ऐसी स्थिति में कहा द्विगु समास तीन प्रकार का, होता है नंबर एक तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु और समाहार द्विगु। तीन प्रकार का द्विगु होगा,
इस पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरणों में हमारे पास एक उदाहरण आता है पौर्वशाला। पूर्वश्याम शालायाम भव। पूर्वश्याम शालायाम भव। दूसरा उदाहरण यदि इसी तरह का ही हम रखें तो उदाहरण है हमारे पास साण मातुरे। शनानां मात्रीणां अपत्यम। छह माताओं की संतान। तीसरा इसी तरह का रखें तो द्वे मातुरा द्वयो मात्रो अपत्यम। सब यहां पर ये तो समास बहुव्री में चला जाना चाहिए था साण मातुर। तो मित्रों अपत्य अर्थ में किस में रहेगा? वो द्विगु समास में ही रहेगा। द्विगु समास के उदाहरणों को हम आगे की ओर रखें और उदाहरण लिखें द्विगु के तो हमारे पास आता है अष्टाध्यायी फिर आता है अष्टाध्यायी पंचगवम पंचवटी पंचवटी के साथ में सप्ताह या शताब्दी सप्ताह नवरात्रम पंचतंत्रम पंचरात्रम त्रिफला इन सभी में कौन सा आता है उस पर चलें तो इसमें कौन सा द्विगु समास है? अष्टानां अध्यायानां समाहार। पंचानां गवानां समाहार। पंचानां वटानां समाहार। सत अब्दानां समाहार। सप्त एहना समाहार। नवानाम रात्रिणाम समाहार। पंचानाम तंत्राणाम समाहार। पंचानाम रात्रीणाम समाहार। त्रयाणाम फलानाम समाहार।
और दसवें पे हम लिखेंगे त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? ये सभी उदाहरण द्विगु समास के हैं, अष्टाध्यायी, पंचवगवम, पंचपटवटी, सप्ताब्दी, सप्ताह, नवरात्रम, पंचतंत्रम, पंचरात्रम, त्रिफला और त्रिलोकी। तो मित्रों इस तरह से द्विगु समास के ये उदाहरण हैं। आज हमने द्विगु समास और तत्पुरुष दोनों को ही कवर किया कर्मधारी के साथ में। तो मित्रों आगे हम और आगे लेके चलेंगे समास को तत्पुरुष में ही। ढेरों शुभकामनाओं के साथ पुनः मुलाकात।